अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तहत दिन में आप सभी का हार्मिक दम है। कल अदालत का फैसला हिजाब पर आना बाकी है। हो सकता है कि फैसला फिर से मुलतवी भी किया जा सकता है। कुछ लोग इसे सियासी मुफाद हासिल करने के लिए जानबूझकर हवा देने की कोशिश भी करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। रियासत के तमाम शहरों में पुलिस की जानिब से नज़र रखी गई है। आज बेलगाम शहर के कमिश्नर दफ्तर में मुस्लिम समाज के तमाम जिम्मेदारान को मधु किया गया था, जिसमें कमिश्नर बेलगाम बोरलिंगैया और डीसीपी रविंद्र गढ़ाद, एसीपी क्राइम नारायण बर्मनी, एसीपी मालमारुति सदाशिव कट्टीमनी मौजूद थे। हिजाब मामला धीरे धीरे मुल्क की सतह पर बहस का मौजू होता जा रहा है। बेलगाम जिला में किसी तरह का तनाव हिजाब को लेकर ना हो, इसके लिए आज हिंदू मुस्लिम जिम्मेदारान की मीटिंग तलब फरमाई गई थी। फौरी सुनवाई को मुलतवी करते हुए अदालत ने इनकार करते हुए सही वक्त पर सुनवाई करने की बात कही। रियासत हुकूमत इस मामले को सही तरीके से सुलझाने की काबिलियत रखती है, ऐसा हुकूमत की जानिब से भरोसा भी दिलाया गया। आज कमिश्नर बेलगाम ने कहा कि अन करीब इम्तहान हैं, बच्चों की पढ़ाई की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर खास तौर से व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेज, पोस्टर्स, इंस्टाग्राम पर किसी तरह की तश्वीशनाक पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का इशारा भी दिया गया। अगर हिजाब और भगवा गमछा पर किसी तरह के पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई कर मुकदमा भी दायर करने की बात की। तलबाओं को इशारा देते हुए कहा कि अगर मुकदमे दायर होंगे तो तुम्हारा आने वाला मुस्तकबिल भी परेशानियों से दो चार हो सकता है। मॉरल पॉलिसिंग के मामले पर भी नजर रखी हुई है। कोई भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करे, ऐसा इस वक्त बताया गया। जमात इस्लामी हिंद के शाहिद मेनान, अंजुमन के सदर जनाब आसिफ राजू सेठ और यमायम के जिम्मेदार लतीफ खान पठान ने भी इस वक्त अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अमन को बरकरार रखने की बात की। इसी तरह हिंदू समाज के जिम्मेदारान को भी बुलाकर शहर की फिजा को खराब ना करने की बात कमिश्नर बेलगाम की जानिब से कहा गया। ससुराल के जुल्म से तंग आकर सह्याद्रीनगर की कृषा केशवानी ने अपने दो बच्चों के साथ अर्गन तालाब में कूदकर खुदकुशी की थी। दोनों बच्चों की लाशें भी बरामद हुई, लिहाजा कृषा केशवानी के घर वालों ने ससुराल वालों के खिलाफ अपनी फरियाद दर्ज की, जिस पर 5 अपराधों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, पर मुजरिम फरार होने की इत्तला हासिल है। कृषा की शादी के बाद इसका शौहर रुपये की मांग कर रहा था। 8 लाख रुपए मांगने की बात कही जा रही है। जुल्म सितम भी ढाए जाने की बात कृषा की वालिदा रीटा आहूजा ने की है, लिहाजा जुल्म ज्यादती से परेशान कृषा ने अपने दो बच्चों के साथ खुदकुशी की, ऐसा फरियाद में दर्ज किया गया। शौहर मनीष केशवानी के साथ 5 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए, पुलिस इनकी तलाश कर रही है। आज वजीर आला बसवराज बोम्मई ने साफियों से मुखातिब होते हुए कहा कि कल से स्कूलों को शुरू किया जा रहा है। स्कूलों की इहाते में किसी तरह का तनाव का माहौल न रहे, इसके लिए इंतजामिया को अमन कमेटियों के जरिए पूरे रियासत में समझाने की कोशिश की गई है, ऐसा कहा गया। किसी तरह तशद्दुद का माहौल ना बने, इस पर भी तवज्जो दी जा रही है। साथ में सोशल मीडिया पर नजर रखी हुई है, जो भी तश्वीशनाक पोस्ट करेगा इस पर कार्रवाई करने की इजाजत पुलिस को दी गई है, ऐसा वजीर आला बसवराज बोम्मई ने बताया। अब अहम खबर। बेंगलोर में हिजाब को लेकर टीचर की बदकलामी से नाराज तलबा के वालिदैन का स्कूल पहुंचकर जबरदस्त एहतजाज। आखिर स्कूल इंतजामिया ने किया टीचर को बर्खास्त, स्कूल के अतराब पुलिस का सख्त बंदोबस्त। हासिल इतला के मुताबिक आउटलॉ में विद्यासागर पब्लिक स्कूल के टीचर शशिकला ने हिजाब मामलों को लेकर तलबाओं से काबिले एतराज बातें कही। इसी बात को लेकर तलबाओं से तश्वीशनाक बातें भी कही, तोहिनामोज अल्फाज कहने का भी इल्जाम लगाया जा रहा है। साथ में बोर्ड पर काबिले एतराज तहरीर भी लिखी, जिससे तलबा नाराज हुए और अपना एतराज दर्ज करते हुए तहरीर को मिटाने की मांग कही, पर बजाय तहरीर को मिटाने के तुलबाओं से तौहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल किया और अपने फिरका परस्ताना ज़हनियत का मुजाहरा किया और कहा कि अदालत का फैसला आने दो, आपको स्कूल से ही नहीं बल्कि रियासत से निकाल देंगे। इस बात पर तलबा और टीचर के दरमियान बहस हुई। बच्चों ने अपने वालिदैन से जाकर तमाम दास्तान बयान की। वालिदैन ने स्कूल पहुंचकर इस बारे में मालूमात ली और मामले को चंद्रा लेआउट पुलिस थाने में मामले को दर्ज किया। आखिर में टीचर शशिकला को बर्खास्त किया गया। पता चला कि क्लास में हिजाब पहनने को लेकर स्कूल के नोटिस बोर्ड पर तौहीन आमोज पोस्ट लिखा गया। इस पर एतराज जताते हुए बच्चों के वालिदैन स्कूल पहुंचे। विद्यासागर पब्लिक स्कूल 20 साल पुरानी है, जहां हिंदू और मुस्लिम बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। एक अहम बात यह भी है कि स्कूल में 80% मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ तालीमी मियार अच्छा होने की भी बात कही जाती है। हिजाब को लेकर कोई यहाँ किसी तरह का तनाजा नहीं रहता। इस बीच विद्यासागर स्कूल के सदर डॉक्टर राजू गुन्नहली ने मकामी लीडर नेमतुल्ला शरीफ से फोन पर बातचीत में कहा कि तलबाओं के कहने पर टीचर शशिकला को खारिज किया गया। उन्होंने कहा कि हम अपने स्कूल पे
पहले से मौजूद निजाम को ही जारी रखेंगे। यह मामला तवील नहीं होना चाहिए। बज्म गालिब के सदर अलहाज अल्लाबख्श ने कहा कि शशिकला की जहनीत की वजह से पिछले 10 दिनों से यहां के तलबा जहनी परेशानियों से हिजाब को लेकर दो चार हो रहे थे, लेकिन जैसे ही शशिकला की बर्खास्तगी की खबर हिंदुत्वादियों को मालूम हुई, हिंदू तंजीमों की जानिब से भी एहतजाज करना शुरू किया। लिहाजा मामला काफी संजीदा होते हुए देख भारी पुलिस फौज को तैनात किया गया। मामला काबू में होने की बात कही जा रही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। Gracias.